सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में लगातार नई बातों का खुलासा हो रहा है। केस की जांच में सीबीआई और ईडी तेजी से अपना काम कर रही है। पिछले दिनों दोनों पक्षों की ओर से कुछ व्हाट्सएप मैसेज के आदान प्रदान को लेकर नई बातें सामने आई। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता द्वारा रिया चक्रवर्ती को किए गए मैसेज भी सामने आए। ये मैसेज नवंबर 2019 को सुशांत के पिता ने रिया को किया, जिसमें वो बेटे से बात करवाने की गुहार लगा रहे थे। सुशांत के पिता ने लिखा, जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूँ तो बात क्यों नहीं की? आखिर बात क्या है? फ्रेंड बनकर उसका देखभाल और उसका इलाज करवा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे, इसलिए कॉल कर मुझे भी सारी जानकारी दो। ये मैसेज 29 नवंबर को रिया को भेजा गया था। वहीं 29 नवंबर को ही एक और मैसेज सुशांत के पिता ने श्रुति मोदी को भेजा, जिसमें उन्होंने लिखा, मैं जानता हूँ कि तुम सुशांत के सारे काम और उसे भी देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे थे। सुशांत से बात हुई थी तो वो कह रहा था कि मैं बहुत परेशान हूँ। अब तुम सोचो कि एक पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए। इसने तुमसे बात करना चाह रहा था, अब तुम बात नहीं कर रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, फ्लाइट का टिकट भेज दो। इन मैसेजेस से पता लगता है कि सुशांत के पिता अपने बेटे को लेकर चिंतित थे। वो बेटे की परेशानी को लेकर रिया और श्रुति से बात करना चाहते थे, जबकि रिया और श्रुति दोनों ही उनके कॉल्स और मैसेजेस को इग्नोर कर रही थी। सुशांत के पिता ने बेटे की मौत से कुछ महीनों पहले एक बार और मुंबई पुलिस से संपर्क किया। वो बेटे के साथ कुछ गलत होने की आशंका जता रहे थे। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।